सोचा रूम के बाद ये रूम जल्दी से क्लीन कर लेते हैं, और वो क्लीन अभी हो जाएगा, आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ए तो ये ना इस तरह नहीं सूत आता है, इसे पकड़ के ले जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं भी खैरियत से हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ? यार आज बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो ये इनका रूम सारा क्लीन करना है। ये देखिए कितना गंदा हुआ हुआ है, सारी अंधेरी आई थी जिसकी वजह से सारी अंदर मिट्टी आ गई, अलमारियाँ खुली हुई थी और सारा रूम गंदा हुआ पड़ा इनका। तो सबसे पहले तो ये इनका रूम क्लीन करना है, और उसके बाद फिर इनको नहलाना भी है। मैक्सू नहीं करनी है तूने? मैक्सू तो इतना गंदा हुआ पड़ा है, इसको खुद उलझन हो रही है, अब नहलाना तो पड़ेगा लाजमी। ठीक है, तो पहले जल्दी से इनका रूम क्लीन करते हैं और उसके बाद इनको नहलाते हैं। ये देखें यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि कितना गंदा हुआ हुआ है। नहीं करनी है, है? ये पीपीआर करने लग जाएगी। ये तो अच्छी बत्ती है। और ये देख लो साहब जी, ओ हेलो, चलो बाहर मुझे सफाई करने दो। ये सारा कुछ गंदा हुआ हुआ है तो ये सारा साफ करना पड़ेगा, और उसके बाद इनको नहलाते हैं। तो उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और साहब जी उठो जल्दी से बाहर चलो, रूम साफ करने दो मुझे, बाहर चला जा, उठे गंदा हुआ पड़ा ये देख, सारी मिट्टी मिट्टी है। चल बाहर रूम साफ करता हूँ, फिर तुझे नहलाता हूँ, फिर आके सुकून से बैठना, ठीक है? चलो। और उसके अलावा इनका भी सारा केस साफ सूफ करने वाला है। ये देख कितना गंद मचाया हुआ है इन्होंने, सबका यही हाल है, इनका भी और ये इस मैडम का भी। इसका हालांकि साफ है थोड़ा, इनके भी पर कट करके इनको भी अभी ओपन करता हूँ, और उसके बाद सारा क्लीन होगा। तो यार ये सारे टेडी बेयर्स वगैरह क्लीन हो गए हैं, बाकी ये इनके ड्रेसेस वगैरह पड़े हुए हैं मैक्स के। आप लोगों को पता है जो स्टार्टिंग से व्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैक्स को स्टार्टिंग में पहनाते होते थे जब सर्दियां थी, अब आगे भी सर्दियां आने वाली हैं तो इनको दोबारा से पहनाएंगे। मैक्स मुफिन दोनों को पहनाएंगे, फिर बहुत अच्छे लगेंगे, फिर हम और भी ड्रेसेस लेके आएंगे इनके लिए। तो ये तो सारे क्लीन हो गए हैं, अब बस रूम के बारे में, रूम क्लीन ये यहीं पर रह गए बेचारा, तू भी अंदर चला जा। तो आप रूम के बाद ये रूम जल्दी से क्लीन कर लेते हैं, और वो क्लीन अभी हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ए तो लो जी सारा रूम इनका क्लीन हो गया है, आप खुश है? हैं? अब बस तेरी सफाई करनी है, जो तू गंदा हुआ फिर है ना, तुझे नहलाना है बस। तो ये देखें यार इनका रूम सारा क्लीन हो गया है। पहले तो गर्मियाँ थी ना, इस वजह से रूम में ज़्यादा लाते नहीं थे, लेकिन अब मौसम ठीक हो रहा है और आगे को भी सर्दियाँ आ जानी है, तो ज़्यादातर रूम में इनको छोड़ा करेंगे। और ये 5K सब्सक्राइबर का यहाँ से अभी तक उतारे नहीं है, लगा अच्छा लग रहा था इस वजह से मैंने कहा रहने देता हूँ उतारने को, ये तब चेंज होगा जब हमारे 10K सब्सक्राइबर होंगे। हैं? ठीक है मैक्सू, चला जब जल्दी से नाई नहीं करते हैं। मफिन मेरे ख्याल से नीचे भाग के, उसे भी नीचे से लाना पड़ेगा, लेकिन इनको नहलाने से पहले अभी पिजन्स का केज भी सारा साफ करना है। तो चलो यार अब इनका भी जल्दी से क्लीन कर देते हैं, और क्लीन करके फिर मिलता हूँ। तो लो जी इनकी भी सारी सफाई शफाई होगी, ये न्यू मिट्टी वगैरह अंदर ला के फेंक दी सफाई के बाद, और अब अच्छा भी लग रहा है और स्मेल भी नहीं आ रही, पहले तो इतनी स्मेल आ रही थी इनके केजेस में से। तो यार मैक्सू के तो नेल कट कर दिए, बाकी मोफिन के वैसे ही छोटे छोटे से थे इस वजह से कट ही नहीं किया। तो अब लेके चलते हैं, पंगा नहीं लेना, तो अब लेके चलते हैं, पहले मैक्सू को नहलाते हैं और उसके बाद मफिन को, ठीक है? नहीं करनी है, मैं इसको नहला लूँ गंदे बच्चे को, फिर तुझे नहलाता हूँ। हाल देखो इसका।
ये ना इस तरह नहीं सूत आता है, इसे पकड़ के ले जाना पड़ता है। बाकी पीछे बादल देखे कितने मजे मजे के आए हुए हैं, मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ है। तो चलें यार इसे नहलाते हैं पहले। इसको अभी ड्रायर करना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से वे मफिन को नहलाते हैं, फिर आके दोनों को इकट्ठे ड्राई करेंगे। ठीक है, इसे देखना, ये तो अब आराम सुकून से बैठ के नहा लेती है, बिल्कुल भी नहाते हुए तंग नहीं करती। इसे नहलाने बैठो ना, आराम से लेट जाती है। चलो जल्दी से मैं इसे पहले नहला लूं अच्छी तरह, उसके बाद मिलता हूं। A few moments later. तो चलो जी, ने नहाने हो लिया, बाकी मैंने ड्रायर भी कर दिया। ड्रायर वैसे तो नहीं करना था गर्मियों में, क्योंकि नहीं करते हैं। आज मौसम ठीक था, बारिश वाला था, इस वजह से मैंने ड्रायर कर दिया है। मैंने कहा ऐसे ना हो कि बीमार हो जाएं। रूम में वैसे तो नहीं दोनों को इकट्ठे छोड़ना, लेकिन अभी इसी वजह से छोड़ रहा हूँ क्योंकि नहाए हुए हैं। अभी आधा घंटा घंटा अपना आराम से सफाई वगैरह करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। तो हाफ ड्राई कर दिया, हाफ ये बैठ के खुद ही करेंगे। बाकी अब मैं इनके खाने पीने के लिए कुछ ले आता हूँ। 5 minutes later. ये इनके लिए खाना ले आया हूँ दोनों के लिए। पहले ये डाल देता हूँ, ये लो खाओ, तेरा वो वाला है। चलो शाबाश, यहाँ पे बैठ के सुकून से खाओ अपना अपना खाना, लड़ाई नहीं करनी। ये जल्दी से खा लें, और उसके बाद ये ड्रॉप्स हैं टोबरेडेक्स, ये इनके आइज में डालूंगा, इससे इन्फेक्शन वगैरह जो होता है इसका वो खत्म हो जाता है। मफिन की तो ठीक रहती है, मैक्स की ज्यादातर खराब रहती है, इस वजह से उसके आइज में मैं ये ड्रॉप्स यूज करता हूँ। जब तक ये यूज करता रहता तब तक ठीक रहती है, और जब ये यूज़ करना छोड़ देते हैं तब फिर उसकी आइज ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से ये डेली इसके आइज में लाजमी डालने पड़ते हैं। अगर ना डालूं तो आइज में से इतना पानी आता रहता है, वो फिर सारी आइज गंदी लगती हैं। तो ये पहले जल्दी से खा लें, और उसके बाद इनके आइज में ये ड्रॉप्स डालूंगा। और वीडियो को भी यहाँ पे करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और हमारे चैनल रेहान एंड मैक्स एंड मुफू को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।